स्पेशली पहली बार देखा होगा आपने मंदिर के सामने ठेका, देखो रॉयल स्टाइल। यहाँ भेड़ देखने को मिलेगा, भेड़ यानी कि मेंढा। जो देखो भाई ये मंदिर है ना, ये जय हर सिद्धि, हर सिद्धि माँ, यह जय हर सिद्धि माँ मंदिर, जय हर सिद्धि माँ। ये भी एक शक्तिपीठ में से एक है, अंदर जाते हैं आपको दिखाते हैं। वाह क्या मंदिर है, यहाँ पे दिए जलते हैं ठीक है, यहाँ पे सारे दिए जलते हैं, बहुत प्यारा मंदिर है हर सिद्धि मंदिर शक्तिपीठ। तो यह है जय माँ हरी सिद्धि, नहीं मैं भेंट चढ़ा दूंगा, यह मंदिर हरी सिद्धि, जय माँ हरी सिद्धि, जय हो माँ हर सिद्धि। कर दिया मैंने तो भैया, ये है एक अच्छा सा पेड़ ठीक है, ये माता का मेन मंदिर है, ये अपने भोलेनाथ का मंदिर ठीक है, श्री कारकोट केश्वर महादेव 1084 है ना, ये है 84 मंदिरों में से एक है ये, है ना यहाँ के, और ये यहाँ का बड़ा सा पेड़। और कर लिए हमने दर्शन, शक्तिपीठ के भी कर लिए, महाकालेश्वर के भी कर दिए आज। ये है चिंताहरण गणेश, अपने गणेश भगवान जी का मंदिर है ना, और ये देखो यहाँ पर सारे दिए जलते होंगे, जब कितना प्यारा लगता होगा यार, ओए होए। यहाँ खाना खाने के लिए 100 रुपये थाली, माता के दर्शन कर लिए, मौसा जी लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम इधर बैठते हैं खाना खाते हैं, खाना खाते फिर चलते हैं काल भैरव की तरफ को, काल भैरव जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले पेट पूजा, ऑटो में हम अब जा रहे हैं यहाँ से 4-5 मंदिरों में ठीक है, एक साथ एक ऑटो कर लिया हमने 700 रुपये में, 100 रुपये प्रति आदमी ठीक है, सब लोग बैठ गए हैं इधर, अब चल रहे हैं भैरव मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, सब जगह जाएंगे आपको भी दिखाएंगे। ये है भैया उज्जैन की गलियाँ, ये देखो उज्जैन की गलियाँ, शिप्रा नदी आ गई, हरिद्वार जैसा लग रहा ना बिल्कुल। आगे मौसी लोग सारे, ये है गढ़काली का मंदिर, ये वाला है ना, ये है गढ़काली का मंदिर, यहाँ पे दर्शन करेंगे, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन में। तो चलो हमारे साथ गढ़काली का के दर्शन करो, मुझे तो प्यास भी लग रही है, नींबू पानी वगैरह पीऊँगा अभी, पहले मैया के दर्शन कर लें, ये है गढ़काली का। तो भैया ये देखो ये अंदर से मंदिर, यहाँ भी वो ये दिया होगा ना, जय माता दी। लो जी ये है स्थिरमन गणेश मंदिर है ना, चलो अब इस मंदिर में चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। काला होता काला गाय को चारा खिलाया जाता है ना, दबा से लो जी काल भैरव आ गए है ना, ये वही काल भैरव मंदिर है जहाँ पे दारू चढ़ती है ना, पी लो वही तो हाँ सही, दारू चढ़ाने से पहले मैं गड़गड़ गड़गड़ गड़, पहले मैं प्रसाद ले लेता हूँ। ये देखो काल भैरव, ये सारा प्रसाद, ये प्रसाद की दुकान है देखो, वो है अपने महाकाल। देखो भाई रॉयल स्टैग, दारू की दुकान, यहाँ पे काल भैरव को दारू चढ़ती है ना, देखो रॉयल स्टैग ठेका है यहाँ पे स्पेशली, पहली बार देखा होगा आपने मंदिर के सामने ठेका, देखो रॉयल स्टैग भाई, देखो कितने धागे बंद रखे हैं यहाँ पे मन्नत के, कितने सारे धागे हर इस पे, देखो कितने धागे बंद रखे हैं यहाँ पे, ओए भाई धागे। काल भैरव कच्ची है,
जी काल भैरव आ गए। टाइम देखो, पैरों के हाल देखो, धीरे धीरे बस आ ही गए। वो है मंदिर, ये होंगे तो लो भाई, बस मंदिर के गेट पे आ ही गए। काल भैरव अभी मैंने मौसी ने कर लिए दर्शन, अब चलते हैं ऑटो की तरफ को और चलेंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ को। बस मौसी आ गई, आ रहे हैं सबके सब, चलते हैं बाहर, चलते हैं बाहर। मंगलनाथ मंदिर का आप अभी दर्शन करने जा रहे हो, मंगल ग्रह का जन्म। हाँ, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शनि ग्रह का जन्म हुआ है, उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती पे गिरा था, धरती के दो भाग हुए थे, उसमें से मंगल भगवान की उत्पत्ति हुई थी शिव रूप में। अभी तक आप लोग जितने भी शिव मंदिर में दर्शन करने गए हो, सामने सवारी नंदी जी देखते हैं, यहाँ भेड़ देखने को मिलेगा, भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होता है। अभी आप जिस मंदिर पे दर्शन करने जा रहे हो, ये मंदिर बना है पूरे भारत की नाभि। कर्क रेखा गुजरती है महाकाल, ओंकारेश्वर होती सोमनाथ की तरफ गई है। उज्जैन नगरी में दो मंदिर में दान का महत्व रहता है, काल भैरव मंदिर में दारू पिलाते मंगल को दान चढ़ाते। यहाँ पे दान अपने परिवार के मंगल कार्य के लिए चढ़ाते, जीवन में अमंगल कार्य ना हो, घर की 21 रुकावटें भी इस मंदिर से दूर होती है। यहाँ का दान है जो मंगल भगवान को चढ़ेगा। लाल पोटली नारियल फूल अपना नाम गोत्र बोल के दान किया जाता है, नाम बोलने से आपका दान लगता है, गोत्र बोलने से परिवार का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीजें मिलेगी। ये प्रसाद ले लिया है ना, और आपने सुना ही होगा इस मंदिर के बारे में। ये दुनिया का एकमात्र मंगलनाथ मंदिर है, इसको ना पूरे भारत की नाभि कहा जाता है, ठीक है। और मंगल से रिलेटेड जिसको भी जो भी परेशानियां होती है ना, वो यहाँ पे आके पूजा करवा सकता है। जैसे कोई मांगलिक होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है ना, तो मंगल की पूजा केवल और केवल एकमात्र इसी मंदिर में हो सकती है। और ये मतलब इंडिया की नाभि कहा जाता है इसको। और बाकी आपने सुना ही होगा उनसे अभी इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। तो चलो अंदर चलते हैं, चलो भैया। देखो भैया, ये है मंगलनाथ मंदिर, चलो चले अंदर। ये है मंगलनाथ, यहाँ पूजा वूजा होती है। देखो पूजा अभी भी हो रही है मंगल की, कैसे भी यहाँ पे होती है पूजा। देखो देखो, ये कुछ ऐसा नज़ारा मंगलनाथ मंदिर का। और इधर से जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं मंगलनाथ। देखो ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है, ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यहाँ देखो नंदी भगवान जी की जगह भीड़ है, हमेशा शिवलिंग के आगे वो रहते हैं ना नंदी महाराज, लेकिन यहाँ पे शिवलिंग के आगे भीड़ है। देखो हाथी छिलके, केले छिलके खा रहा है, देखना। देखो 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 देखो, केला छिल दिया और खा दिया, केला छिल दिया और फिर खा रहा है। देखो लो भैया, अब आए हम यहाँ पे महर्षि सदीपनी आश्रम है, सांदीपनी आश्रम। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे भी है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला है अंदर। देखो भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला है अंदर, ये श्री कृष्ण की पाठशाला अंदर से दिखाई मैंने। हाँ, श्री कृष्ण बलराम सुदामा यहाँ पढ़ा करते थे, उनकी पढ़ाई होती थी यहाँ पे, है ना। बाकी एक मंदिर ये भी है अपने भोलेनाथ का, और कोणेश्वर महादेव ये भी है ना। आज बहुत सारे मंदिर कर लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा उज्जैन का व्लॉग, ठीक है। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ 9 के 9 ज्योतिर्लिंग, ठीक है। यहाँ से गुजरात जाऊँगा, फिर महाराष्ट्र जाऊँगा, तो व्लॉग में बने रहना, ठीक है। और एक से एक व्लॉग, एक से एक जगह आने वाली है, अच्छे अच्छे ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, एक एक करके। तो व्लॉग में बने रहना और हर दिन हर व्लॉग मेरा देखना, ठीक है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का दिन का समापन होता है यहाँ से मंगलनाथ मंदिर से, ठीक है।
कल फिर मिलते हैं आपको, कल सुबह सुबह जाऊंगा मैं भस्म आरती में, हो सकता है ना। उसके बाद वहाँ से ओमकारेश्वर। ब्लॉग में बने रहना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल, टिल देन बाय।